एक ब्लॉगर और नई आएगी हमारे यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन पूजा, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन, आज का ब्लॉग आप देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। शिवांश अभी भी सो के उठा है और ये शिवांश की दीदी। शिवांश वो देखो, यहाँ देख लो, यहाँ देख। सो गाइस, ये है यहाँ की छोटी सी लक्ष्मी। दिवाली के दिन इसका नामकरण था, इसका नाम लक्ष्मी रखा गया है, ये देख सकते हैं। और वो तो उसी में ही चढ़ी रहती है गाइज, हमेशा खाना खाने के लिए। ये है यहाँ की जज। कौन सी वाली? ये यहाँ की जज है, इसने काफी लोगों को फेंक रखा है, ये इनको भी फेंक रखा है ये। तो अभी इनके माला वाला चढ़ाई गई है, क्योंकि ये दोनों बहुत तेज है, मारती है, छोटी सी भी बहुत तेज है। ये देखो लक्ष्मी बहुत तेज है। लक्ष्मी की नाक कितनी चिकनी है गाइज, ये देखो। सो मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ गोवर्धन पूजा का, वहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो धान रखा है इसको आग पर भूंजा जाएगा, फिर मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाती रहूँगी, आप वीडियो देखना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान जी के पैर भी बनाए गए हैं, गेरू पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं, उससे बनाए गए हैं, कुछ इस टाइप का बनते हैं ये। और इसमें चूड़ कुटे जाते हैं, तो अभी कुटे जाएंगे, मैं भी आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। ये है धान, ये देख सकते हैं इस तरह का होता है ये। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले घी डाला है, फिर धान डाल रहे हैं अभी। यहाँ पे यही बनाती है हमेशा यहाँ पे। तो यहाँ पे माता जी के पैर भी बनाए गए हैं पूरे घर तक। दीदी आप भी भेजोगे? देख सकते हैं इतने सारे जाने, अभी और भी आएंगे यहाँ पे। यहाँ कंट्रोवर्सी काफी अच्छा सा लगता है, सब मिलकर ऐसे खिचड़ी बनाते हैं। तो अभी आंटी इस गंगे से धान को कूकेंगी, देख सकते हैं गंगा गंगे का शेप आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे से फिर बीच से देख सकते हैं काफी पतला है। तो ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये जो चूड़ होते हैं भैया दूज के लिए कूके जाते हैं। सो आज गोवर्धन पूजा है, तो आज चूड़ कूके जाएंगे, फिर कल होगा भाई दूज। तो कल का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, पहले मैं आपको गोवर्धन का दिखा देती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे चूड़ कूके जाते हैं। काफी अच्छा लगता है, इस पहाड़ी में काफी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। वहाँ पे दोबारा भुना जा रहा है उसको घी में, और यहाँ पे जो भुन चुका है उसको कूटा जा रहा है। ज़्यादा हो गए। सभी धान हो चुके हैं, देख सकते हैं कुछ नहीं होते हैं। दूसरी आंटी कूकने के लिए, खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, जो चूड़ कूके जा रहे हैं इनकी पूजा होती है, और जो खाएंगे वो अभी थोड़ी देर में करे जाएंगे। आ गया घूम के, वहाँ पे मेरा बेटा भी घूम के आ चुका है,
शिवांश नोनू शिवांश क्या हो रहा है हल्दी है ये मैं अदरक सोच रही भैया की बारी ये चौथी बार जा रहा है इसमें और चौथी बार कुकेंगे भैया भैया की एनर्जी आप देख सकते हैं नीचे बैठ जाएगा गोदी नहीं पकड़ा करके दीदी की तरह ये हिमाली दीदी की तरह अदरक भैया तो उड़ा ही दे रहे हवाई हवाई में उड़ा दी क्या कर रहे हो मैं जानबूझ के कर रहे मुझे लगता है डाल दे और इसमें कच्ची हल्दी डाल के कुका जा रहा है वो हल्दी थी मुझे लगा डर के इसमें हल्दी डाल के कुका जा रहा है हल्दी डाल दी इसमें अभी कच्ची हल्दी वो भी उगाई थी चली जा रहे हैं तो सीधे हवा में ही बिल्कुल रोया जा रहा था हां शिवांश को भी कूटने लगता है कर रहा है शिवांश कूटने ऐसे मान कूटेगा अभी तो आधे भी नहीं कूटे वहां तो देखो क्या मेहनत लग रही है यामा अब कोई चिंता नहीं है देख सकते हैं कि एज के हिसाब से इनके दांत भी नहीं है और ये देखना कैसे कूटेंगी फ्रेंड्स ये पांचवे है ये चार लोगों ने कूट दिया ये पांचवी है आमा ये देख सकते हैं आमा फोटो तो नहीं खींच रहे हो वीडियो बनाओ स्क्रीनशॉट कर जाएगा अब तो गर्म होने लग गया यामा की फुर्ती देखना बाप भी देखिए फ्रेंड्स और बिल्कुल स्ट्राइक खड़ी थी ये उठाइए इधर जाओ ये उठाना तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बाबू ये तार से ना ऐसे करके हम पेड़ को कर दे तार ना उठ गया लगो ना मैं लगी टीवी तरह आ मत काटो काटने बाद दो हां सीधे इनको 50 साल चुके हैं नामा को आप सुन सकते हैं कि मुझसे 50 साल काफी होता है अभी भी देख सकते हैं इनकी एनर्जी हुई ये इसके शादी के दिन को मेरी बिमला का नामकरण तेरी शादी के दिन पहली बात तो पूरा दिन लाग दी ये देख सकते हैं जब मैं ब्याह भर हो जाए ये देख सकते हैं छठी बार जा रहा है इसमें छठी बार भी यहाँ पे आमा ही फूट रही है आमा के अंदर इतनी एनर्जी है थकी भी नहीं चार बुढ़ी ना आसी हो बुढ़िया तो कम नहीं जान को लौट में है ये घर जमलाल वट करो ये दिन चंपा बुआ ऊपर ज्यादा थकी जानी नहीं तो फिर करना
सब यहाँ पे चाय पी जा रही है। धन्यवाद बहुत कमल और मेला छु हां कमल कमल खींच दी खींच दी। एक ब्लॉगर और नई आ गई है हमारे यहां, उन्होंने देखो सावध है कितना भाई। तो यहाँ पे चूड़ बन चुका है अच्छे से, हम यहाँ पे बांका जा रहा है प्रसाद के, उसमें लाओ रे ढोली कहाँ लाओ, अखबार हो रहे वहाँ पे। और ये भी दिखा देना ऐसे चाय पीते हैं लास्ट में करके। हाँ हाँ, और यहाँ पे गुड़ के साथ चाय पी जाती है, आपको बताइए पहाड़ी घर रिवाज, गुड़ के साथ सब चाय पी रहे हैं। एक और नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं पहाड़ी में।